हेलो गाइस, स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मी की तरफ से आने वाले एक फोल्डेबल फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो शाओमी ने अपने हाल ही रिलीज़ इवेंट पे काफ़ी कुछ लॉन्च किया, जहाँ पे दोस्तों मी 11, 11 प्रो, 11 प्रो अल्ट्रा, बहुत ही कुछ आ चुका है। मी 11 लाइट भी आया है, साथ के साथ दोस्तों मी की एक नई स्मार्ट बैंड मी बैंड 6 भी आई। हमने लगभग सभी चीज़ों के बारे में बात की, ऊपर आपको आई वीडियो में देखने को मिल जाएगी वीडियोज़। आज हम बात करेंगे मी मिक्स फोल्ड के बारे। तो दोस्तों मी मिक्स फोल्ड एक फोल्डेबल फ़ोन जो MI की तरफ से, Xiaomi की तरफ से आ रहा है, जहां पे दोस्तों ये पूरी तरह से दोस्तों सैमसंग के फोल्ड के जैसा ही दिखता है। पर दोस्तों क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, और इसकी प्राइसिंग के बारे अगर बात बताएं, इंडिया में कब तक आएगा इसके बारे भी अगर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह आई है सामने, 6.52 इंचेस की एक 90 हर्ज़ की AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों अगर आप इसको ओपन करते हैं यानी कि फुल स्क्रीन पे देखते हैं, फोल्ड हटा के देखते हैं, तो वो 8.01 इंचेस की दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया सी फोल्डेबल स्क्रीन है। QHD+ आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है, क्वाड स्पीकर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि स्पीकर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जैसे कि दोस्तों Xiaomi ने मी के 11 सीरीज़ में यूज़ किया है, हरमन के स्पीकर्स आपको इस फ़ोन में भी देखने को मिल जाएंगे। प्रोसेसर की बात करते हैं, डेफिनेटली जो अभी हाल में लेटेस्ट सबसे बढ़िया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो बैटरी देखने को मिलेगी, 5020 mAh की बैटरी है, 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब ये तो दोस्तों बात हो गई इसके स्पेसिफिकेशंस की, इसके लुक और डिज़ाइन को आपने देख ही लिया। ऑल इन ऑल अगर हम Xiaomi की इनोवेशंस की वगैरह की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला फ़ोन बन चुका है दोस्तों 108 MP का लाने वाली कंपनी जो है Xiaomi बन चुकी है। और इसमें भी दोस्तों अगर हम कैमरा वगैरह की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है 108 MP का एक अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरा, अल्ट्रा वाइड लेंस आपको देखने को मिल जाएगा 13 MP का, 30x जूम देखने को मिलेगी जो कि 8 MP 3x ऑप्टिकल जूम आपको देखने को मिल जाती है। एक दोस्तों आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों 8 MP का होने वाला है। तो डेफिनेटली आपको चार कैमरा के सेटअप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे पीछे के साइड में। इसके अलावा गाइस कैमरा वगैरह के बारे अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आपको ये चीज़ बता दूं दोस्तों, कैमरा वगैरह में Xiaomi बहुत ही बढ़िया अप कर रहा है और आने वाले अपडेट्स वगैरह में इसके कैमरा हमेशा इम्प्रूव होते ही हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो दोस्तों फ्रंट कैमरा अभी के हिसाब में ये पता चल रहा है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा 20 MP का। दोस्तों कैमरा वगैरह की बात अगर हम साइड रखते हैं और इस पर अगर हम इसके लुक और डिज़ाइन के बारे में बात करें, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक है, फोल्डेबल फ़ोन है और काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब अगर प्राइसिंग की बात करते तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों ये डॉलर में आया है, इसकी प्राइसिंग जो है $1520 के अप्रॉक्स आई है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 105,000 के अप्रॉक्स में आती है। दोस्तों सैमसंग के जो जेड फोल्ड की अगर हम बात करें वो अप्रॉक्सीमेटली 150,000 के अप्रॉक्स का है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये फ़ोन अप्रॉक्सीमेटली 100,000 का देखने को मिलता है अगर ये फ़ोन इंडिया में आता है, जो कि दोस्तों आएगा तो ये अप्रैल के लास्ट के पहले यानी कि मिड 15 से लेके 30th के बीच ये लॉन्च हो जाना चाहिए। और अगर होता है तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 100,000 इसकी प्राइसिंग होने वाली है, जहाँ पे दोस्तों आपको ये फ़ोन बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल में नहीं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।